पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। अक्सर ये प्रॉब्लम्स लेकर लोग मेरे पास आते हैं। दोस्तों पहले तो ये समझ लो कि पढ़ाई कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। पढ़ाई कुछ ट्रिक्स के साथ होती है, कुछ प्लानिंग्स के साथ होती है, और जाने अनजाने में सारे टॉपर्स लोग इन ट्रिक्स को फॉलो भी करते हैं, तभी वो कम पढ़ाई करके भी हमसे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। मैंने 2 हफ्ते रिसर्च करके इन ट्रिक्स की एक लिस्ट बनाई है। पता नहीं कौन सी ट्रिक आप पर काम कर जाए, इसलिए वीडियो को आखिरी ट्रिक तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रिक नंबर 1, बी कंसिस्टेंट। दोस्तों हमें पढ़ाई की याद तब आती है जब पानी गले तक आ जाता है, यानी कि एग्जाम्स आती है, मतलब जब टॉपर्स का सेकंड थर्ड रिवीजन चालू होता है तब हम पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों टॉपर्स लोगों की आदत होती है कि वो ज्यादा नहीं पढ़ते पर रेगुलरली पढ़ते, कंसिस्टेंट होते हैं। जब भी स्कूल में या कॉलेज में कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तभी वो बहुत फोकस्ड होते हैं। कभी भी गौर कर लेना इस बात पर। साथ ही ये लोग घर पर आने के बाद दिन भर में जो भी पढ़ा उन सब टॉपिक्स का ये रिवीजन भी करते हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए और एग्जाम्स टाइम में सिर्फ एक रिवीजन से सब याद हो जाए। ट्रिक नंबर 2, डिस्कस द टॉपिक विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों हमें ऐसी बातें ज्यादा याद रहती है जो कि हम हमारे दोस्तों से डिस्कस करते हैं, और इस बात पर आप भी अग्री करोगे, तो क्यों ना इसका फायदा पढ़ाई में लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं किसी एक टॉपिक की, और फिर उस टॉपिक को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगा। पर ध्यान रखना कि एक ही दोस्त के साथ बैठना, वरना कब टॉपिक चेंज हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रिक नंबर 3, यूज टेक्नोलॉजी फॉर स्टडी। दोस्तों मैं इस टॉपिक पर जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक एप्लीकेशन मिला जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। ये एप्लीकेशन पढ़ाई में आपके हर डाउट को सॉल्व करता है, तो मैंने 5 स्टूडेंट को 1 हफ्ते के लिए इसे रिकमेंड किया, और इन सब ने मुझे इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज दिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना जरूरी है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है डाउटनट। इनकी खासियत यह है कि इनका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, और ये लोग व्हाट्सएप पर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसे जरूर ट्राई करके देखना। और इनकी खास बात यह है कि इसे यूज करना काफी आसान है। जस्ट आपको आपके मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री के सवालों का फोटो निकालना है और उसे क्रॉप करके सेंड कर देना है। उसके तुरंत बाद आपको उन सवालों के जवाब वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगे। साथ ही IIT JEE मेंस और एडवांस के बुक्स की वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि HC वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जैसी बुक्स भी अवेलेबल है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर काम करता है, इसलिए ये काफी एक्यूरेट भी है। तो गेम्स और बाकी फालतू एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में रखने से अच्छा है ऐसी एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में रखो जो आपको पढ़ाई में मदद करे। अगर और कोई ऐसी एप्लीकेशंस मुझे मिलती है तो मैं उसे जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रिक नंबर 4, मेडिटेशन। दोस्तों इसे अगर आप दुनिया का 8वां अजूबा भी कहे तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कितनी पावरफुल चीज है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे। मैं खुद हर दिन मेडिटेशन करता हूँ तभी आपको इतना स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। दोस्तों मेडिटेशन से हमारा फोकस, मन की स्टेबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब एक अलग लेवल पे इम्प्रूव हो जाता है, और ये सब चीजें हमें सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि दूसरा कोई भी काम को करने में हेल्प करती है। ट्रिक नंबर 5, यूज 40 मिनट्स रिवॉर्ड टेक्निक। दोस्तों हम एक ही टॉपिक को घंटों तक लेके बैठते हैं, इसलिए पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता और हम फोकस नहीं कर पाते, तो ऐसा कभी मत करना। पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को 40 मिनट तक पढ़ना और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना, और इस ब्रेक में मोबाइल्स का यूज बिल्कुल नहीं करना। इस ब्रेक में आप खुली हवा में जाए, खुद को फील करें, हल्की सी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। इससे आपका माइंड वापस रिफ्रेश होगा और आप न्यू एनर्जी के साथ वापस पढ़ाई कर सकते हैं। पर अब आपको दूसरा सब्जेक्ट चूज करना है, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपके दिमाग को ऐसा प्रोग्राम करना है कि उसे बताओ कि अगली 40 मिनट तक तुझे फुल फोकस के साथ पढ़ना है, और उसके बाद तुझे 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इस रिवॉर्ड टेक्निक का फायदा यह है कि आपके ब्रेन को पता है 40 मिनट के फोकस स्टडी के बाद उसे 15 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है, इसलिए 40 मिनट तक वो फुल फोकस रहेगा। इसे जरूर ट्राई करना, यह बहुत इफेक्टिव वे है पढ़ाई करने का। ट्रिक नंबर 6, नो योर बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह पढ़े क्योंकि सुबह का टाइम अच्छा होता है, माइंड फ्रेश होता है वगैरह वगैरह, और ये सब सही भी है, पर मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बदले आप खुद अपना परफेक्ट टाइम चूज करें, जब आप कंफर्टेबल हो और आप फिजिकली और मेंटली रेडी हो पढ़ने के लिए, और ये टाइम आप अपने लोकेशन के हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ट्रिक नंबर 7, डेवलप इंटरेस्ट। दोस्तों किसी भी चीज को करने में मजा तब आता है जब उस चीज में हमारा इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट तब बनता है जब कोई चीज हमें समझ में आती हो, और चीजें समझ में तब आएगी जब हम रट्टा मारने की बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हम उस चीज को जिंदगी भर कभी नहीं भूलते। फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा है, उसके लिए कोई रट्टा नहीं मारा, तभी हमें वो कॉन्सेप्ट आज तक याद है। ट्रिक नंबर 8, टेक माइक्रो नोट्स।
दोस्तों अकॉर्डिंग टू साइंस हम जो भी पढ़ते हैं उसमें से हमें सिर्फ 10% चीजें याद रहती है, और जब हम कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसे लिखते भी हैं, तब हम 70% तक चीजों को याद रख सकते हैं। इसलिए पढ़ते वक्त जोर से पढ़ें, ताकि पढ़ने के साथ साथ आप उसे सुन भी सके और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको उसमें से क्या समझ में आया ये शॉर्ट में उस टॉपिक के नाम के साथ एक डायरी में लिख लेना, और इन नोट्स को आप एग्जाम्स के टाइम पर रिविजन के लिए यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ट्रिक नंबर 9, नो द पावर ऑफ पावर नैप। दोस्तों हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है जो कि बिना रुके बिना थके काम करे, इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है तो 45 मिनट का अलार्म लगा के आप सो सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड रिफ्रेश होगा। बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं, पर बिना एनर्जी और फोकस के काम करने से अच्छा है कि आप 45 मिनट्स के लिए सो जाए और उसके बाद फुल एनर्जी और फोकस के साथ अपने काम को करें। लेकिन ख्याल रखें कि आप अलार्म को स्नूज ना करें। दोस्तों आपको कौन सा ट्रिक पसंद आया और डाउटनट का एप्लीकेशन आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दोस्तों हमारा ऑफिशियल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज शुरू हो चुका है, जहां पर आपको डेली पावरफुल कोट्स और लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलेंगे। तो हमें फॉलो करके आपका सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाना, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में।